नहीं, हम ये चाहते हैं कि तुम हमारे नाम पर अपने बच्चे को जुबा करो। यू मस्ट इन माई नेम सेक्रीफाइस योर सन। तो अगर आज का कोई बच्चा होता, आज का कोई बच्चा होता, चाइल्ड ऑफ टुडे, तो कहता कि ऐसा कोई शरीयत में मसला है ही नहीं कि कोई इंसान को कुर्बान करे। डोंट आस्क अल्लाह सुभान व तआला क्वेश्चन। अल्लाह ताला, दिस इज नो शरीयत, व्हाई वी गिव माय सन, व्हाई वी गिव, जानवर को देना है, इंसान को थोड़ी गला देना है। बट ही डोंट आस्क एनी क्वेश्चन, ही कम एंड ही आस्क सन। तो अपने बच्चे के पास आए और बोले, बेटा मैं तुझे ख्वाब में अल्लाह ताला तशरीफ लाए और फरमाया कि इब्राहिम, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे नाम पर अपने बच्चे इस्माइल को जुबा करो। He came to his son and related the dream that Allah Ta'ala put in his mind that he had to sacrifice Ismail. तो जब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ही डोंट आज दैट टाइम ही कीप क्वाइट इस्माइल अलैहिस्सलाम ही डोंट से व्हाई यू गिव मी यू सीन मी ड्रीम एंड यू कट माय हेड ही डोंट क्वेश्चन ही फादर एनी क्वेश्चन इस्माइल अलैहिस्सलाम ओनली इस्माइल अलैहिस्सलाम व्हाट से ही से ओनली काला या अबती फअल मा तुमर काला या अबाती फाल मा तू उमर सत जिदूनी इंशाला मेरा साबिर सत जिदूनी इंशाला मेरा साबिरी। तो ये बल्कि कोई डोंट आस्क एनी क्वेश्चन इसे ओनली व्हाई यू आस्क मी यू शुड ड्रीम टू डू। तो ये रजा है, ये क्या है, दिस इज मीनिंग ऑफ सेकंड सूफी रजा, सेकंड मीनिंग ऑफ सूफी रजा। तो रजा है रब्बुल आलमीन, ये सूफी है। द सेकंड ऑफ मीनिंग सूफी जम रजाए रब्बुल आलमीन, रजाए रब्बुल आलमीन। तो दोनों भी आंसर कुरान करीम से है। एंड थर्ड मीनिंग ऑफ यू सी इन कुरान से, फर्स्ट मीनिंग ऑल्सो इन कुरान, सेकेंड मीनिंग ऑल्सो कुरान, एंड थर्ड मीनिंग ऑल्सो यू सी इन कुरान। थर्ड मीनिंग इज रजा। अब दूसरा सवाल, रजा, अल्लाह ताला हैप्पी विथ यू वेन यू गिव ऑल लाइफ अल्लाह सुभान इन योर लाइफ ऑल गिव योर हैंड अल्लाह सुभान। तो तीसरा सवाल है सबर, मकाम है सबर, सबर पेशेंस। यू मेक रोजा वन डे, आफ्टर टाइम फिनिश यू कांट स्टॉप, यू स्टार्ट होल्डिंग इट, होल्डिंग नो इट बट नाइट टाइम लॉट ऑफ इट, वन डे हंड्रेड लॉट ऑफ कम इट लॉट ऑफ फूड। तो ये तुम्हारा सफर है बस थोड़ी देर का, लेकिन अल्लाह ताला ने यू रीड कुरान करीम, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को 18 साल तक कोड़ के मंज में परेशान रहे। अय्यूब अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम वाज़ फॉर 18 इयर्स कोड़ भाई बीमारी तो जिसमें से कीड़े निकलते थे, कीड़े बदन को बीमारी था, कीड़े निकलते थे, वर्म का लाइक लेप्रसी, तो जिसम से सारे बदन से कीड़े निकलते थे, फिर भी रब की बारगाह में वो सबक फरमाते थे। डिस्पाइट द फैक्ट ऑफ द वर्म्स कमिंग आउट ऑफ हिज बॉडी, He still had patience and sabr, who
अल्लाह ताला। तो एक सवाल करने वाला अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आया और पूछता है, अय्यूब तुम्हें रब ने इतनी तकलीफ दी, इतना आजमाया तुम्हें। The personality came to Hazrat Ayub and asked him, you have gone through so much trouble, suffering. और जिस्म से जो कीड़े निकल के गिरते थे, जिस्म से जो कीड़े निकलकर जमीन पर गिरते थे, the worms that were dropping down from his body, उसे उठाकर फिर जो है डाल देते थे। You to pick them up and put them back on the body. तो एक शख्स ने पूछा, अरे अय्यूब, कीड़ों को फिर वापस क्यों डालते हो? This person was asking Hazrat Ayub, why are you putting these worms back? तो कहा, ये कीड़ा जब तक मेरे जिस्म में रहेगा, मेरा जख्म हरा भरा रहेगा। अब तो the time there is worms stay in my body, मेरा जख्म जो है हरा भरा रहेगा, वैसे रहेगा ताज़ा। My wounds will stay fresh. Will stay fresh and won't become dry. तो ऐ अय्यूब, क्या तुम अच्छा होना नहीं चाहते? Don't you want to become better? But this person was asked. तो उसके बाद अय्यूब ने फरमाया कि मैं इसलिए अच्छा नहीं होना चाह रहा कि जब भी मेरा जख्म बढ़ जाता है दर्द, जब मैं रात में सो जाता हूँ, मेरा दर्द जब बढ़ जाता है, आई डोंट वॉन्ट टू बिकम बेटर बिकॉज वेन माई पेन्स बिकम मोर, उस वक्त अल्लाह सुभान व तआला तशरीफ अल्लाह की होती है और फरमाते हैं, अय अय्यूब, क्या हाल है तेरे दर्द का? दैट टाइम अल्लाह तआला कम्स नियर टू मी एंड आस्क्स मी, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ योर पेन्स? हमारे अय्यूब, अल्लाह ताला खुद अय्यूब से पूछते हैं कि अय्यूब, अब तेरी हालत कैसी है? व्हाट इज योर कंडीशन? अल्लाह ताला बोले, मैं इससे राजी खुश हूँ। ही सेइंग टू अल्लाह ताला, इसलिए मैं सफर कर रहा हूँ। आई एम हैप्पी विद इट। तो अल्लाह ताला का अय्यूब के पास आना और सफर पर इम्तिहान लेना, ये है द थर्ड मीनिंग ऑफ द सूफी। तो सूफी का तीसरा माना ये है, दैट इज द मीनिंग ऑफ द थर्ड ऑफ सूफी, थर्ड मीनिंग ऑफ सूफी, अल्लाह ताला कैन क्लोज हिम एंड आस्क हिम व्हाई डज ही एक्सेप्ट ऑल दैट पेन्स। और जब उनका सारे जिस्म में कीड़े फैल गए, तो बस दो जगह ऐसे रह गए थे, कल्ब और जबान, दो चीजें रह गए थे। द होल बॉडी वॉज कवर्ड विद वर्म्स। तो जब तक फॉर द टंग एंड द हार्ट, जब तक उन्होंने तकलीफ दिया, तो जब ही डोंट से एनी प्रॉब्लम, सफर डॉक्टर। लेकिन सारे जिसम पर तकलीफ देते रहे कीड़े, उन्होंने कुछ नहीं कहा। ऑल सफरिंग दे दी हैड फ्रॉम द वर्म्स, He did not speak a word. लेकिन जब एक कीड़ा उनके कल्ब पर चढ़ गया, when the worm came onto his heart, और जबान पर चढ़ गया, on his tongue, तो जब अय्यूब अलैहिस्सलाम के जबान से निकला, वो अय्यूब इज़्नादा रब्बी अन्नी मस्सनी अज़ुर, that was the answer that came from the tongue. तो जब कुरान करीम ने कहा, वो अय्यूब इज़्नादा रब्बी अन्नी मस्सनी अज़ुर, तो रब की बारगाह में जब फरमाया, अरे रब्बुल आलमीन, तेरी बारगाह में इल्तिजा इसी